पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई, मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानती थी? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, सात फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी, मतलब धर्म में। मैं वहां रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए वहाँ रह के भी, मैं वर्ती भी रही हूँ। आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान का? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है, बाकी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। हैदर भाई क्या कहते हैं, हम दोनों खुश हैं, यहाँ हमें रहने दो, खुशी से रहने दो प्लीज, हमें रहने दो यहाँ पर। धन्यवाद सर। अच्छा सीमा, नहीं अभी आप जाइएगा मत, रुकिए, कुछ सवाल है, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आप जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि आप भाग रही हैं, आप भाग रही हैं ऐसा लगा, अगर भागना आप चाहती हैं तो आप भाग जाइए। सीमा को आपने कई बार देखा, तो कैसी लगी? अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ पे सचिन जो है वो अपने दोस्तों को हमेशा ये कहता है कि मैं सरहद पार दो धन लेकर आऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं सीमा हैदर के वहाँ पर और ये ग्रोसरी का रिटर्न बैठा है, और सबसे पहले मैं आपको घर दिखा देता हूँ उनका। ये जो घर है अभी एक्चुअली से बंद है, जो लोकल पब्लिक है यहाँ की सारी खड़ी हुई है, तो अभी एक्चुअली में कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि अभी है या नहीं है। एक्चुअली में अभी बहुत ज़्यादा सर्ट हो गया, इसलिए बहुत सारे लोग एक ही बार में साथ में आ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, और अभी यहाँ के लोकल के जो लोग हैं एक बार उनसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे यहाँ का भी जो स्टेटस क्या है, करंट का स्टेटस क्या है, घर पे या नहीं। और सामने देख सकते हैं कुछ हीट हो जाता है, मेरी बैटरी डाउन, सवाल जवाब करते करते बैटरी डाउन हो रही है, क्या करें, माहौल ही ऐसा बना हुआ है। तो अभी आए हुए ठीक है, अभी किसी का अंदर जाना मतलब परमिशन नहीं है अंदर जाने की, और जो तो लोग हैं लोकल के मीडिया परेशान कर रही है, इस वजह से शायद गेट होते नहीं है, 7 बजे से 10 बजे तक मीडिया को दिखा रही है, तो आप यही रहते हैं? नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं बताया, नॉर्मल फैमिली है, अच्छी फैमिली। अम्मा बहुत ज्यादा सीमा के सपोर्ट में लग रही है, और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं पर रहते हो? लोकल ही है, यही सचिन से बात कई बार देख लिया, दुखी थी, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, पे है हाँ, तो कोई नहीं, देखिए कोई भी अगर एक लोकल एरिया आ रहा है किसी के घर पे है, किसके यहाँ है प्रमोद, क्या विधायक उधायक है, विधायक उधायक है क्या तो फिलहाल यहाँ पे हैं, और जो घर है आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक बार घर को दिखा दो, ठीक है, ये है सचिन मीना का घर जो आप देख सकते हैं, फ्रंट पे ही बन रहा है, ठीक है, और फिलहाल अभी यहाँ पे कोई है नहीं, और न्यूज़ आप देख सकते हैं पीछे न्यूज़ वाले भी हैं, बाहर से ही अपनी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो बाहर से ही कर रहे हैं, जब परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इस चीज़ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, ठीक है, एक बार आइए एक बार औरतों से थोड़ा सा जानकारी, एक बार लोकल में जो थोड़ा सा आप लोगों से जानकारी ले सकते हैं क्या? अरे कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको पता है सब वही पूछेंगे, और कोई बात नहीं, चलो यही घर है ना उनका फिलहाल,
दरवाजे बंद और यहाँ लोकल में जो लेडीजें हैं फिलहाल अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं, चर्चा में हैं अभी क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल न्यूज है, न्यूज एंकर है, उन लोगों को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं हो पा रही, तो आप समझ सकते हैं ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, उनको कहाँ से जाने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं मिल पा रही, कुल मिला के यहाँ की जो पुख्ता जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा दिखाते हैं बाद में। कोई नहीं, लड़का भी दोस्त ही है। क्यों आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर कि वो पाकिस्तान से आई जासूस है, उसके बारे में क्या बात है? कहने लिए आप लोग सब दुनिया लगा रही है, खाना खा के दुनिया लगा रही है, लोग बुरी बता रहे हैं, आप अच्छी बता रहे हैं, हम लोग तो बढ़िया कर रहे हैं, आपको बढ़िया हमको बढ़िया लग रही है। आप बताओ आपकी क्या राय है? जो योगी जी करेंगे मोदी जी करेंगे हमारी वही बेस्ट है। ये ठीक है कि वहाँ पर चार बच्चों के साथ वो रह रही थी और मतलब पबजी पर प्यार हुआ, चार बच्चा हमारी व्यवस्था करना की मांग की है, चार बच्चा सही बात है। आप बताना, आप बताना क्या लग रहा है आपको? जो कुछ हो रहा है सही हो, सही हो रहा है, मतलब यूपीएटी जो सवाल जवाब कर रही है वो सही करने दो, मैं अगर वो गलत होंगी तो गलत साबित हो जाएंगी या सही होंगी तो सही साबित हो जाएंगी। अच्छा, इस मोहल्ले में सिमर रह रही थी, आप लोग यहीं पर रहते पड़ोसी है, वो आप कभी मिले थे? मोहल्ले में अभी आई है, जब इसकी गिरफ्त में आ गई है उसके बाद यहाँ पे आई है, वो अंदर रह रही थी। अच्छा, पता नहीं थी किसी को। अच्छा, और आप लोग सचिन को तो लेकिन जानते हैं ना, सचिन कभी कुछ ऐसा लगा किसी ने कभी कुछ बताया कि पाकिस्तान से लड़की आई? मैं दोस्त हो गए। दोस्त नहीं हो, बस मोहल्ले वाले हो? मोहल्ले के हैं ये बस। क्या कर रहे हो फिर यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी कॉलोनी में जो है वो रहते हैं, और उनका यही कहना है कि ये जो लोग ये जो परिवार है वो बहुत सहज परिवार है, बहुत ही आम परिवार है, जैसे हर एक दूसरा परिवार भारत का होता है वैसे ही है। और सीमा भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, इन लोगों की ज़्यादा कुछ बातचीत हुई नहीं थी सीमा से, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको खुद नहीं पता चला था। हुई है कि जो टीम है वो यहाँ पर आई सचिन और सीमा को लेकर के अपने साथ ले, तब इन्हें पूरे मामले की